फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवाकर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा, और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे, वे आग यानी नरक में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे।